हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिपाही में कोई अंतर नहीं है, साध्वी नमन रुचि। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रंग दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर दुनिया भर में कई योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर भारत के सीमा प्रहरी जो सीमाओं पर तैनात है वो भी योग के रंग में रंगे हुए नजर आए। लद्दाख की वादियों से लेकर राजस्थान के थार रेगिस्तान के इलाकों की सरहदों तक जवानों ने योग किया। योग कर स्वस्थ रहने का संदेश। बाड़मेर की भारत पाक सीमा पर बीएसएफ की सभी सीमा चौकियों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हजारों बीएसएफ के जवानों ने एक साथ योग किया। बाड़मेर सीमा सुरक्षा बल 142वीं वाहिनी और कुशल वाटिका ट्रस्ट और लायंस क्लब मालानी के संयुक्त तत्वावधान में बीएसएफ के जवानों एवं ट्रस्ट मंडल और आम जन ने संयुक्त रूप से योग किया। इस अवसर पर 142वीं वाहिनी के समादेष्टा राजपाल सिंह ने बताया कि योग हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रतिरोज योग करने से हमारे स्वास्थ्य को काफी लाभ मिलता है। आज भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने योग और प्राणायाम किया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए देश भर को संदेश दिया। गुरु महाराज के गज्जाधिपति खरतर आचार्य श्री मिनी प्रभ सुरेश्वर महाराज एवं श्री रत्नमाला जी महाराज श्री विद्युत जी महाराज के 50वें दीक्षा दिवस प्रवेश पर योग वृक्षारोपण सीमा सुरक्षा बल और कुशल वाटिका ट्रस्ट और लायंस क्लब के द्वारा किया गया। इस अवसर पर परम पूज्य साध्वी नमन रुचि श्री जी मरासा ने बताया कि संत और सिपाही में कोई अंतर नहीं है। संत समाज की सुरक्षा करते हैं और सिपाही सीमा की सुरक्षा करते हैं। लक्ष्य दोनों का एक ही है। संत आत्मा का कल्याण करते हैं और सिपाही देश की रक्षा कर हम सभी का कल्याण करते हैं और देश के सच्चे मूल्य लेकर देश की रक्षा करते हैं। देश के जवान पूरा जीवन देश हित में निछावर करते हैं। देश के जवान शिखर के पायदान पर अपने पाव रखे आसान। महिला प्रहरियों ने भी किया योग अभ्यास। कहा जाता है कि योग है तो सेहत है और सेहत है तो समृद्धि, इसीलिए पूरा देश आज योगमय है। योग दिवस के मौके पर भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले बाड़मेर अहमदाबाद हाईवे स्थित जैन सूर्य ट्रस्ट कुशल वाटिका प्रांगण में बाड़मेर सीमा सुरक्षा बल 142वीं वाहिनी और कुशल वाटिका ट्रस्ट और लायंस क्लब मालानी के संयुक्त तत्वावधान में बीएसएफ के जवानों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर महिला प्रहरी और अधिकारी श्री योग अभ्यास करते नजर आए। थार का रेगिस्तान जहां गर्मी के दिनों में पारा 50 डिग्री के पार और सर्दियों में पारा माइनस में चला जाता है, वहां इन जवानों का मंदिर प्रांगण पर योग अभ्यास का नजारा अद्भुत था। इस अवसर पर राजपाल से कमांडेंट 142वीं बटालियन अनिल गुलेरिया, द्वितीय कमान अधिकारी 76 बटालियन पारसमल जिनगर, द्वितीय कमान अधिकारी 142वीं नरेंद्र पाल उप समादेष्टा, पुष्पराज उप समादेष्टा, कुशल वाटिका के ट्रस्ट उपाध्यक्ष द्वारका दास, डोसी लायन कैलाश कोटड़िया, लायन इंद्र प्रकाश, लायन प्रोफेसर संपत कुमार, लायन छगन लाल बोथरा, रघुवीर सिंह तामलोर रहे मौजूद। सीमा सुरक्षा बल के 142वीं बटालियन की तरफ से लायंस क्लब बाड़मेर और कुशल वाटिका ट्रस्ट मंडल का स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया गया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।